ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। गुरदासपुर में मुस्लिम अहमदिया जमात की तरफ से और दूसरे मुस्लिम वर्ग के लोगों की तरफ से ईद की नमाज अपने अपने घरों में रहकर अदा की। ईद उल फितर का त्यौहार पर भी कोरोना का प्रभाव देखने को मिला। मुस्लिम भाईचारे की तरफ से पहले हर साल ईद उल फितर का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मस्जिदों में मनाया जाता था और मस्जिदों में ही हज़ारों की तादाद में इकट्ठा होकर ईद की नमाज अदा की जाती थी, लेकिन आज कोरोना के कारण लागू की गई हिदायतों का पालन करते हुए मुस्लिम भाईचारे की तरफ से ईद उल फितर की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा करते हुए यह त्यौहार मनाया गया। वहीं बात करें जिला गुरदासपुर में कांदिया में अहमदिया मुस्लिम जमात के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में भी मस्जिद और गलियां सुनसान दिखाई दे रही थी, क्योंकि जमात की तरफ से ईद की नमाज सरकारी हिदायतों के अनुसार अपने अपने घरों में ही रहकर अदा की और एक दूसरे को गले मिलकर खुशी जाहिर की। वहीं ज़िले में अंदर दूसरी जगहों पर भी मुस्लिम भाईचारे के लोगों ने ईद की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा की और वहीं नमाज अदा कर रहे लोगों का कहना था कि इस मुश्किल दौर में हमें अपनी सरकारों का साथ देना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि हर धर्म हमें यही सिखाता है कि मुश्किल की घड़ी में इंसान को इंसान के काम आना चाहिए और जो इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है परमात्मा उसकी मदद करता है। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। देखो जी, ईद का संदेश यही है कि भाईचारा जिहड़ा ईद का संदेश हैगा और गरीबां की मदद करना ईद का संदेश है, भाईचारे चारक सांझ बधाणी ते गले दे नाल गला मिलाना यह सांझ है, एक दूजे दे नाल मुहब्बत दे नाल रहना इस ईद का संदेश है। इस ईद का संदेश यह दिंदा है कि तुसीं पूरे देश वासियां ने और जिथे तुसीं रहिंदे हो उस दे कानून नूं फॉलो करना है ते अपने भाईचारे नूं अपने गरीबां नूं अपने गले लगाना ते उहनां दी मदद करनी है। जिमें अज के हालात ने कोरन टाइम करके मजदूरों नूं दिहाड़ी नहीं मिल रही तो साडा इस्लाम उन्हूं ये संदेश दिंदा है कि उन्हां दी जिहड़ी है उन्हां दी हालातों के उपर उन्हां दा साथ दिता जाए हर हाल के, चाहे वह खाने का होवे जां उन्हां दी माली मदद का होवे जां बीमारी के हालात के उन्हां नूं दवाइयां का होवे। तो मैं सारे अपने मुसलमान भाईचारे नूं ये संदेश देवां कि वध तों वध अपना जिहड़ा ईद उल फितरा है उस बीमारी के जिहड़े लोग शिकार होए ने उन्हां दे वास्ते कीता जावे। कानून नूं ते जिस तरह साडे प्रशासन के जिहड़े जिदा सानूं समझाया गया सी, असीं उन्हां नूं पूरा ख्याल च रखते हुए अपनी मस्जिद नूं ताला लगा के ते अपने घर विच मस्जिद जिहड़ी है वह नमाज़ अदा की गई है और सारे ही मुसलमानां ने गुरदासपुर खास करके असीं देखिया कि उन्होंने सारे ने ईद घरां दे विच मनाई है। कादियां विच वैसे तो ईद बारे हुक्म है कि ईदगाह दे विच या मस्जिद दे सारे शहर दे लोग इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़न, पर चूंकि लॉकडाउन की वजह नाल कोरोना वायरस की वजह नाल गवर्नमेंट वालों ये ताकीद की गई है कि मस्जिदों के नमाज अदा नहीं करनी, इस वास्ते जमात अहमदिया के इमाम वालों हुक्म है कि बिल्कुल मस्जिद में ईद अदा नहीं करनी और जिस तरह गवर्नमेंट की हिदायत का हुक्म उसकी पालना करनी है। चुनाचे गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक अज घर ईद अदा की गई, हर घर मैं समझना या ज़्यादा ज़्यादा एक दो घर मिल गए हम लागे गुआढ़ी रिश्तेदार जो ज़्यादा इन्ना ही है, वैसे हर घर नमाज ईद अदा की गई है और खुशियां मनाई गई ने। बहरहाल असल तो यह है कि जिस तरह गौरमेंट कहे वो मुताबिक चलना चाहिए, इस्लाम सानू दसद कि जेडे वक हाकम ने वक्त दे उन्होंने आज्ञाकारी करो, चंगियां गल्लां दे विच नेक गल्लां दे विच उन्हां दी पूर्ण आज्ञाकारी करो। तो बहरहाल जमात आज्ञाकारी कर रही है, इस वास्ते नमाज घरां च पढ़ी गई है।